गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन विद द सेम चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक न्यू टर्म के बारे में पढ़ा लास्ट लेसन में, और उससे रिलेटेड हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, उससे कंक्लूजन निकाले, और उनसे जो भी एक्सप्लेनेशन थे कि ऐसा क्यों हो रहा है वो हमने पढ़ा। तो नाउ वी कैन, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन थे उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेनेशन दिए, और उस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग नाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो हाउ कैन वी डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट व्हेन अबव द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सर्किट, सर्किट हम यहाँ पे कॉइल भी ले सकते हैं, थ्रू अ कॉइल चेंजेस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी कॉइल से रिलेटेड तो एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसको कि इंड्यूस करंट कहते हैं, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। सो लाइक दिस वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया हमारे लास्ट वाले लेसन में, उसमें हमने एक कॉइल ली और एक मैग्नेट लिया। नाउ द प्लेस ऑफ दिस मैग्नेट, वी कैन रिप्लेस दिस मैग्नेट बाय अ करंट कैरी कॉइल। वहां पे हमने एक कॉइल को ली थी और उसमें हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया था, पर यहाँ पे हम जो मैग्नेट ले रहे थे उस मैग्नेट की जगह हम उसकी जगह भी क्या ले सकते हैं, एक करंट कैरी कॉइल ले सकते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है, दैट वी हैव टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल। जो भी हमने कॉइल ली है उसमें से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको हमें चेंज करवाना है, सो दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। अब इसके लिए हम मैग्नेट को भी आगे पीछे लेके आ जा सकते हैं, या फिर उस मैग्नेट की जगह हमने क्या ले लिया, एक करंट कैरिंग कॉइल ली। सो व्हेन वी आर टेकिंग टू कॉइल्स, फर्स्ट इन विच अ बैटरी इज अटैच एंड की इज अटैच, तो व्हेन वी विल क्लोज द की द करंट विल फ्लो इन दिस कॉइल। दिस कॉइल इज कॉल्ड कॉइल वन एंड द सेकेंड कॉइल इन विच द गैल्वेनोमीटर, विद विच द गैल्वेनोमीटर इज अटैच, दिस इज कॉइल द कॉल्ड द कॉइल नंबर टू और द सेकेंडरी कॉइल। दिस इज द प्राइमरी कॉइल, दिस इज द सेकेंडरी कॉइल, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। यहां पे जो ली है ये प्राइमरी कॉइल, यहां जो ली है वो है सेकेंडरी कॉइल। सो द प्राइमरी कॉइल विच इज द करंट कैरिंग कॉइल एंड द सेकेंडरी कॉइल इन विच द इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड, जिसमें कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने वाला है। सो वी विल ऑब्जर्व व्हेन वी क्लोज द की द इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट गोइंग टू द कॉइल एंड एज व्हेन वी स्टार्ट द व्हेन वी क्लोज द की एंड द इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग, इलेक्ट्रिक द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस, मींस इट इंक्रीजेस फ्रॉम लोअर टू हायर। जैसे हम यहाँ पे क्लोज की को क्लोज करेंगे वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा उससे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जैसे ही चेंज होगा साथ ही साथ इससे पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी क्या होंगी, चेंज होगी, मीन्स वो भी कम से क्या होंगी, ज्यादा होंगी। सो एज वी क्लोज द की एंड इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग द नीडल ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन।
because an induced current is produced in this coil. Then where the current is continuously flowing, जब हमने start किया जैसे हमने key plug in की वैसे ही reflection show करेगा. And when the electric current flows continuously, it do not show any reflection. It again comes to the middle point. जैसे ही electric current continuously flow होना लग जाएगा, वैसे ये वापस reflection show नहीं करेगा, बिल्कुल zero पे आ जाएगा. Again, when we open the key, जैसे हम key को open करते हैं, and the circuit breaks, means the electric current stops flowing. जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद होगा यानी कि वो ज्यादा से कम होगा, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रिक करंट, उस इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड उससे प्रोड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, कम से ज्यादा होगा. और जैसे वो कम से ज्यादा होगा, इससे पास होने वाली सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो भी ज्यादा से क्या होगी, कम होगी. Means again there is a change in the magnetic flux passing through the secondary coil. Secondary coil से pass होने वाले magnetic flux या हम कहे magnetic field lines में change होगा. So again we will see the reflection in the needle of the galvanometer. जैसे हमने इसको हटाया, वापस ये क्या show करेगा, reflection show करेगा which shows that an induced current is produced in the secondary coil. So what is the conclusion? When we close the key and we open the key, जब हम close कर रहे key को या हम open कर रहे हैं, means when the electric current starts flowing and when the electric current stops flowing, at these two conditions this galvanometer shows deflection. जब हमने की लगाई और जब हमने की निकाली, यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ या इलेक्ट्रिक करंट एकदम से फ्लो होना बंद हुआ, इन टू कंडीशंस में ही सिर्फ ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है. बिकॉज एट दैट टाइम द मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू दिस सेकेंडरी कॉइल चेंजेस एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस. इन दो कंडीशन में ही क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है. When the continuous electric current is flowing through the primary coil, there is no deflection, means no induced current is produced. कोई induced current produce नहीं होगा. Purpose यही है, conclusion यही है कि जब भी secondary coil से pass होने वाले magnetic flux में change होगा, सिर्फ तभी induced current produce होगा. अगर उसमें चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. सो बाय दिस एक्टिविटी और बाय दिस परफॉर्मेंस वी कैन अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोर क्लियरली. हमने पहले वही लिया था जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, सेकंड हमारे जो कंक्लूजन्स हैं वो तब भी वही थे जो कि अभी है जब हमने मैग्नेट और कॉइल लिया था, और अभी भी वही है जब हमने दो कॉइल्स ली है, एक करंट कैरिंग कॉइल है, दूसरी एक ऐसी कॉइल है जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं. सो ऑब्जर्वेशन एंड द कंक्लूजन्स आर सेम बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्टैक्ट. सो डू प्रैक्टिस. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.